वेलकम टू मॉम शेफ इंडिया और आज मैं आपके लिए ये वेफर्स वाली चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस जायके के सफर की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके लिए जैसे पॉप होती है, मंच होती है, उस टाइप से जो वेफर्स होते हैं अंदर वो चॉकलेट लेकर आई हूँ। तो इस तरह के वेफर्स जो होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो इनको सिर्फ हमें चॉकलेट में डिप करना है। तो ये मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली है और इसको कैसे मेल्ट किया जाता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो इसको इसमें डिप करेंगे और हमारी मंच या पर्क बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक वेफर लेंगे, दो फॉक लेंगे, रेडी हो गई, इसको यहाँ पर रख दी। ना दूसरा वेफर डालेंगे, टर्न, इसको भी रख देंगे, इसको भी रख देंगे फ्रेंड्स। सारे बनाकर दिखाती हूँ फ्रेंड्स आप। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी पर्क बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी इसको सेट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये बार्स बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब मेरे पास थोड़ी चॉकलेट बची हुई है, उससे मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, वरना कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख देंगे। फ्रेंड्स हमारी बार सेट हो चुकी है, अब इनको हटा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इनमें जो साइड के कॉर्नर से इनकी फिनिशिंग हम इजीली कैंची से कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी। अभी मैं सबकी फिनिशिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इनकी फिनिशिंग कर दी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।